रुक। रुको रुको, कोई गाड़ी रोको प्लीज, रुको रुको। एक लड़की इतनी रात गए घने जंगल में बेतहाशा भागी जा रही थी, मदद के लिए चिल्ला रही थी। आखिर क्या हुआ था उसके साथ? कौन थे वो लोग जो उसे मारना चाहते थे और क्यों? जीजा जी, दीदी कहाँ है? दीदी नहीं दिख रही, कहाँ है दीदी? मुझे छोड़ो, दीदी को झाड़ी में देखो सर, दीदी कैसी है? माला माला प्रीति, माला दीदी, माला पहले हम लोगों ने मेरी पत्नी के साथ रेप किया। देखिए प्लीज प्लीज आप हमें पूरी बात बताइए। सर सारी गलती मेरी है सर, इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है सर। अरे ये सामने लग रहा है पुलिस चेकिंग चल रही है। भाई साहब कुछ गड़बड़ लग रही है। देखिए यहाँ कभी पुलिस की चेकिंग नहीं होती, मुझे कुछ और गड़बड़ लग रही है। आप गाड़ी मत रोकिए प्लीज। कैसी बात कर रही हो? अगर जीजू गाड़ी नहीं रोकेंगे तो पुलिस को शक हो जाएगा। मैं कह रही हूँ ना संजना की बातों पर, तू चुप कर, आप गाड़ी मत रोकिए प्लीज। कौन है भाई आप लोग, क्या चाहिए? सुन बे, आगे गांव की तरफ जाना है, चुपचाप गाड़ी चला। अरे अरे ऐसे कैसे गाड़ी में बैठ रहे हो? अरे चल, माला मुझे मना कर रही थी गाड़ी मत रोको, पर मैंने माला की नहीं सुनी सर। अगर माला की सुन लेता तो आज माला जिंदा होती सर। वो चार लोग थे? हाँ सर, उनमें से दो के पास राइफल और एक के पास लोडेड गन भी थी। सर वो लोग जैसे जीजा जी से बात कर रहे थे मुझे बहुत अजीब लगा सर, उसके पास जब गाड़ी में बैठे तो। अरे दीदी क्या है ये लोग? चलो ए गाड़ी चला। छोड़ो मुझे। काश मैं कुछ कर पाती तो मेरी माला दीदी जिंदा होती। मेरी आंखों के सामने
मेरी पत्नी के साथ इतना घिनौना काम किया और मैं कुछ भी नहीं कर सका। सुन साहब, उस एरिया में ये पांचवी डकैती है, लेकिन मर्डर पहली बार हुआ है। अच्छा, मिस्टर मनोज, आपकी वाइफ की बॉडी हम पोस्टमार्टम के लिए भेज चुके हैं, एक बार रिपोर्ट आ जाने दीजिए, फिर बॉडी हम आपके हवाले कर देंगे अंतिम संस्कार के लिए। सर, उन हथियारों को छोड़िए घनी सर। निश्चिंत रहिए आप, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। सब्जी वाले हैं ना, आपका कुछ पैसा बाकी है क्या? नहीं बिटिया, नहीं, पैसे का कोई सवाल नहीं है। हमारे हर सुख दुख में साथ दिया है, उसका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। पहली नजर में देखने पर यह केस हत्या और लूटपाट का लग रहा था। परिवार वाले भी पुलिस पर दबाव बना रहे थे कि वो जल्द से जल्द कातिलों को पकड़ ले। लेकिन क्या सब कुछ वैसा ही हुआ था जैसा दिख रहा था, या इस घटना के पीछे की सच्चाई कुछ और थी? बोलिए इंस्पेक्टर साहब। हमने उस पूरी जगह की छानबीन की, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। इंस्पेक्टर साहब, आप कुछ भी कीजिए, पेपरों में इश्तिहार छपवाइए, उन हत्यारों पर इनाम रखवा दीजिए, लेकिन वो हत्यारे बचने नहीं चाहिए जिन्होंने मेरी माला का खून किया। आप पैसे को फिक्र बिल्कुल मत करिए। मैं पैसे कातिल को सजा मिलने से मेरी बेटी तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन कातिल को सजा मिलने से उसकी आत्मा को शांति जरूर मिलेगी। देखिए, मैं समझ सकता हूँ, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप लोग निश्चिंत रहिए, जहां तक हो सकेगा हम मुजरिम को बहुत जल्द पकड़ लेंगे। बेटा, अब आप सो जाओ, मैं लाइट ऑफ कर देती हूँ। मासी, लाइट ऑन रहने दो ना, मुझे अंधेरे से डर लगता है। पर बेटा, अब आप डरोगे तो कैसे चलेगा ना, पापा का ध्यान भी तो आपको ही रखना है ना। लेकिन क्यों बेटा? वो बहुत बुरे हैं। नहीं बेटा, ने पापा के लिए ऐसे बात नहीं करते। रोहन, तुम ऐसे कांप क्यों रहे हो? क्या हुआ बेटा? रोहन, घबराओ मत, कुछ बोलोगे? पापा जो है ना। पापा क्या? बोलो बेटा, बोलो। पापा बहुत बुरे हैं ना रोहन। तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं ना बेटा, अब आपके पापा आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाएंगे। इसने तुम्हें बहुत परेशान किया होगा ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रोहन बेटा, रात बहुत हो गई है, अब जल्दी से सो जाओ तुम। लाइट मत बंद करना, इसको अंधेरे में नींद नहीं आती। संजू, तुम बहुत थक गई होगी, जाके तुम भी आराम करो। मम्मी मेरे बेडरूम में सो रही हैं, तुम भी उन्हीं के साथ सो जाओ। और आप कहाँ सोएंगे? मैं बाहर ड्राइंग रूम में सो जाऊंगा।
इतनी रात को कौन हंस रहा है? बीवी के जाने के बाद एक आदमी कितना अकेला हो जाता है। देखिए साहब के चेहरे को, कितने दुखी हैं। लेकिन जब बीवी जिंदा थी तो झगड़ा बहस बस। क्या बीवी जीजा जी के बीच में झगड़ा होता था? अब झगड़ा किस मियां बीवी में नहीं होता। मेरा पति भी मुझसे बहुत झगड़ता था। बेटा क्या तुम आज ही जा रही हो? हाँ, उससे न रुक जाती तो और अच्छा होता। काश रुक पाती मैं। अच्छा आप लोग ना रोहन का ध्यान रखिएगा। हाँ हाँ, ये भी कोई कहने वाली बात है क्या? पड़ोसी पड़ोसी के काम आते हैं। अरे रोहन बेटा रोते नहीं है, मैं जल्दी वापस आऊंगी ना बेटा। मासी मुझे भी अपने साथ लेके चलो ना, मुझे यहाँ नहीं रहना। पता नहीं माला के हथियारों का कब पता चलेगा, और ये पुलिस वाले भी पता नहीं क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं है आंटी, क्या है ना हथियारे बिल्कुल अनजान थे। बासु पूछो और मुझे बताओ, ऐसी कोई बात है जो आप मुझे बताना चाहते हो? क्या हुआ रोहन? नहीं बेटा डरते नहीं है। अच्छा मुझे बताओ किससे डर लगता है तुम्हें, बोलो बोलो। पापा से? क्यों बेटा? वो बहुत बुरे हैं, वो मुझे मारेंगे। मारेंगे? क्या हुआ तुम्हें रोहन, वो क्यों मारेंगे तुम्हें? वो तो तुमसे कितना प्यार करते हैं ना बेटा। नहीं वो मम्मी से भी बहुत झगड़ते थे। बाबूजी पुलिस आई थी ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेके, उन्होंने बोला कि इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ भी नहीं निकला। मैं पहले से जानता था यहाँ के पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाएंगे। खैर बाबूजी अब जो भी होगा देखा जाएगा, आप लोग चिंता मत करिए। आप लोग आराम से घर जाइए और घर पहुँच के फोन जरूर करिएगा। आप अपना और का ख्याल रखिएगा। जी मम्मी जी। संजू तुम चाहो तो माला का सामान ले जा सकती हो अपने साथ। मैं ड्राइवर से बोल के गाड़ी निकलवाता हूँ, आप लोग तैयार हो जाइए। रोहन बेटा आओ। अरे बेटा आ जाना बेटा। मुझे ना यहाँ कुछ सही नहीं लग रहा है। तुम कहना क्या चाहते हो संजू? मुझे मुझे लग रहा है कि जीजा जी हमसे कुछ छुपा रहे हैं। क्या? मनोज ने हमें क्या नहीं बताया? मुझे रोहन बता रहा था कि दीदी और जीजा जी के बीच में अक्सर झगड़े हुआ करते थे। क्या? हाँ
रोहन जीजा जी के साथ नहीं रहना चाहता, बहुत डरता है उनसे, बुरा मानता है उन्हें। बेटा रोहन अभी बच्चा है, वो इन सब बातों को नहीं समझता है। तुम तो समझदार हो ना बेटा, किस परिवार में लड़ाई झगड़े नहीं होते बताओ। आपको पता है मेरी दीदी के मरने के बाद मैंने आधी रात को उन्हें किसी से जोर से हंसते हुए बात करते देखा था। देखा था मतलब सुना था। बेटी तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई, तुम बेकार के ही दामाद जी पे शक कर रही हो। मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं? बेटा संजू तू बस कर, तू जल्दी से अपनी पैकिंग कर, ये ना हो कि तेरी बातों के चक्कर में हमारी ट्रेन निकल जाए। लेकिन बेटा रोहन रोते नहीं, बेटा पापा है ना आपके साथ। क्या हुआ रोहन? बेटा कुछ नहीं, वो अब गिर गया था इसलिए रो रहा था, कहीं लगी तो नहीं? अच्छा बेटा अब हम चलते हैं। अब बेटा नाना नानी को बाय करो। बाय नाना। नहीं रुको तुम, रोहन मुझे सच बताओ क्या हुआ था? ये निशान कैसे है? पापा ने मारा ना? संजू बेटा कहाँ रह गई, जल्दी आओ। तुम्हारा सूट किस का है? पापा मैं कुछ दिन यही रहना चाहती हूँ। पापा रोहन ने अभी अभी अपनी माँ खोई है और ऐसे में इतने छोटे से बच्चे को अकेला छोड़ के जाना सही नहीं होगा ना, तो सोच रही हूँ थोड़े दिन यही रुक जाऊँ उसके पास। माँ जी अगर संजू रुकना चाह रही है तो उसे रुकने दीजिए, इसी बहाने रोहन का मन भी लगा रहेगा। हाँ माँ रुकने दो उसे। ठीक है बेटा तुम थोड़े दिन यहीं रुक जाओ। थैंक यू पापा। संजना ये तो समझ गई थी कि मनोज कुछ छुपा रहा है, लेकिन क्या और क्यों इसका जवाब उसके पास नहीं था। संजना ने कुछ दिन वहीं रुकने का फैसला किया और आखिर एक दिन जवाब उसे मिल गया। उसके हाथ अपनी बहन माला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लग गई। आखिर उस रिपोर्ट में ऐसा क्या था जिसने संजना के शक को यकीन में बदल दिया? अच्छा उठो बेटा। गुड बेटा। ठीक हो? डॉक्टर साहब रोहन आप कैसा है? डोंट वरी, अब ये बिल्कुल ठीक है। क्या आप घर चल सकते हैं? मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। हाँ आप जाइए ऑफिस, मैं चली जाऊंगी, सामान लेना है कुछ। ये कुछ पैसे डालो अपने सामान खरीदने के लिए। और हाँ किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे तुरंत कॉल करना। बेटा मौसी के साथ रहना। बाय। थैंक यू डॉक्टर। या वेलकम। यस डॉक्टर। हाँ बोलिए। डॉक्टर किसी पेशेंट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख के पता कर सकते हैं ना कि उसका रेप हुआ है कि नहीं, मौत कैसे हुई है? प्लीज मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि मेरी दीदी का मर्डर कैसे हुआ था, क्योंकि इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक तो उसका बलात्कार हुआ था, क्योंकि पुलिस इसे बलात्कार का केस बता रही है जबकि
कि मुझे इस रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। इस रिपोर्ट में तो सिर्फ यही लिखा है कि उनकी मौत सिर्फ गोली लगने से हुई है। गोली लगने से? जब बलात्कार हुआ ही नहीं था तो मनोज ने सबसे झूठ क्यों बोला? संजना के हर सवाल का जवाब उसके सामने और कई सवाल खड़े कर रहा था, लेकिन संजना भी ठान चुकी थी कि अब वो पूरा सच जान कर रहेगी और अपनी बहन के हत्यारे को सजा दिलवा कर ही रहेगी। आज हमारे बेटे रोहन ने दिन भर घर में क्या किया? अब रोहन बिल्कुल ठीक हो गया है। अच्छा? बहुत जल्दी स्कूल भी जाने लगेगा। वेरी गुड, ये हुई ना बात। अब तो यहाँ बैठो, पापा जल्दी से चेंज करके आते हैं। अरे संजू, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में क्या छुपा रही हो? छुपा नहीं रही, वो HR जॉब के लिए अप्लाई किया था ना, उसका फॉर्म है। देखें जरा। हाँ। हेलो रोहन। तुम? वो रोहन की तबीयत कुछ खराब थी ना? हाँ हाँ, उसकी तबीयत खराब है। आओ मिल लो, उसे अच्छा लगेगा। आओ। कैसे हो रोहन? देखो आशा, मैं तो अभी कुछ दिनों में चली जाऊंगी, तुम्हें रोहन का ध्यान रखना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। देखो मैं उसका मनपसंद हलवा बना के लाई, मेरे हाथ का हलवा उसे बहुत पसंद है ना? ये लो, खा लो। अपना ख्याल रखना। ठीक है, मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है। न्यूज़पेपर्स? देखो दीदी, मैं आपको बता तो दूं, पर मेरा नाम बीच में नहीं आना चाहिए। देखो तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बताओ। वो उस दिन ये तलाक के पेपर हैं, मुझे तुमसे तलाक चाहिए, साइन करो इसमें। नहीं करोगी? साइन तो तुम्हारे अच्छे अच्छे करेंगे, मुझे तुमसे पीछा छुड़ाना है। अगर तुम इसमें साइन करके तलाक दे दोगी ना तो ठीक है, वरना तुमसे पीछा छुड़ाने के मुझे और भी रास्ते आते हैं। अगर उस दिन मेम साहब ने तलाक के कागज पर साइन कर दिया होता तो शायद मेम साहब आज जिंदा होते। इसका मतलब जीजाजी ने मेरी दीदी को मारा है? अब ये तो नहीं पता, पर पैसे देके कोई कुछ भी करवा सकता है, किसी को मरवा भी सकता है। संजू, मैं ऑफिस जा रहा हूं, रोहन का जरा ख्याल रखना।
तलाक के कागजात से साफ जाहिर था कि मनोज और माला के आपसी संबंध अच्छे नहीं थे, तो फिर माला ने यह बात अपने घर वालों से क्यों छिपाई थी? बैंक के स्टेटमेंट से यह भी पता चला कि माला की हत्या से कुछ ही दिन पहले मनोज ने बैंक से 10 लाख रुपए निकाले थे। आखिर इतनी बड़ी रकम मनोज ने किस लिए निकाली थी? संजना के लिए अब यह मामला दिन ब दिन और पेचीदा होता जा रहा था। हर दिन एक नई कहानी एक नया मोड़ सामने लेकर आ जाती थी। क्या हुआ संजू, सब ठीक है ना? हाँ ठीक तो है। अब मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। क्या आशा, मैं तुमसे अपने दिल की बात तो कर सकती हूँ ना? हाँ हाँ बोलो, क्या हुआ? क्या तुम्हें कुछ पता है मेरे दीदी और जीजा जी के बीच में कोई प्रॉब्लम? संजू एक सेकंड। बेटा आप अंदर जाके खेलो। मैं पूछ रही थी कि कोई झगड़ा वगड़ा होता था, कुछ भी पता है क्या तुम्हें? होता होगा, छोटा मोटा किसी भी हस्बैंड वाइफ के बीच होता है। नहीं आशा, नॉर्मल वाला झगड़ा नहीं, किसी और औरत को लेके झगड़ा। जीजा जी का किसी और से अफेयर। क्या अफेयर? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? पता ही नहीं, अपनी जीजा जी के लिए ऐसी बातें कर रही हूँ मैं, मुझे शक है। संजू कुछ दिनों से माला कोई बात को लेकर परेशान तो थी। मैंने उससे पूछने की भी कोशिश की लेकिन उसने मुझे कुछ साफ नहीं बताया। अगर कोई अफेयर की बात होती वो जरूर मुझे बताती। संजू मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, रोहन का ख्याल रखना प्लीज। मुझे कुछ काम है घर में, मैं आती हूँ। चले कहीं जाना है? पुलिस स्टेशन चलो। चले बैठे। संजना तुम, पुलिस तुम्हारे साथ क्या हुआ? हम बताते हैं। इनका कहना है कि आपने अपनी पत्नी का खून किया है। जी मैंने? संजना तुम होश में तो हो? भला मैं अपनी पत्नी का कत्ल क्यों करूंगा? तुम रोहन तुम्हारे साथ है ना? तुम रोहन को घर में अकेला छोड़कर यहाँ पुलिस के साथ आकर ये क्या तमाशा कर रही हो? तमाशा मैं नहीं कर रही हूँ, आप कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं सबको। मनोज आप अपने मिल के सारे स्टाफ को यहाँ बुलाइए जल्दी। लेकिन इंस्पेक्टर जितना कहा जाए उतना ही करिए, बुलाइए जल्दी। ठीक। सारे स्टाफ को ऑफिस के अंदर भेजो। नहीं, इनमें से कोई आदमी नहीं है जिसे मैंने देखा था। बस बहुत देर से तुम्हारी बकवास सुने जा रहा हूं मैं। तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर माला का कातिल मौजूद होगा हम सबके बीच में? मिस्टर मनोज क्या आपके ऑफिस के सारे स्टाफ यहाँ पे मौजूद हैं क्या? हाँ सर, मेरा पूरा स्टाफ यहाँ पर मौजूद है। आप ये देखिए, ये स्टाफ अटेंडेंस रजिस्टर है, इसमें मेरे आज के सारे स्टाफ आए हुए हैं। संजना जी आप एक बार फिर से इन्हें देखिए। कहीं कहीं का क्या मतलब है इंस्पेक्टर? संजू तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं उन कातिलों में से एक हूं? देखिए मुझे बस इतना पता है, जिस आदमी को मैंने गेट पर देखा था वो आदमी यहां नहीं है।
माला की मौत ने तुम्हें सचमुच पागल कर दिया। अच्छा जीजा जी, मैं पागल? अगर मैं पागल हूँ तो एक बार बताइए, आपने हम सबसे दीदी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों छुपाई? क्यों हमसे और पुलिस से कहा कि उनका रेप हुआ था? अरे मैंने मैंने खुद अपने कानों से उसके चीखने की आवाज सुनी थी। मैं उसे देख नहीं पा रहा था पर मैं सुन रहा था। वो बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी और लोगों ने मेरे हाथ बांध दिए थे, मेरी आंख के सामने उसको झाड़ियों के पीछे ले गए। मैं कुछ नहीं कर पाया। कितना झूठ बोल रहे हो ना आप जीजा जी। मुझे खुद रोहन ने बताया कि आप दीदी को मारा पीटा करते थे, यहां तक आपको दीदी से तलाक भी चाहिए था। मेरे पास सबूत भी है। ये देखिए, तलाक के पेपर्स। मैं मानता हूं कि मेरा माला से झगड़ा हुआ और उसी झगड़े में मैंने माला को थप्पड़ भी मारा और उसी गुस्से में माला ये डिवोर्स के पेपर ले आई और मुझसे साइन करने को बोलने लगी। मैंने माला को समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी। बाद में धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया था। उसके बाद हम सब लोग घूमने गए थे खुशी खुशी, तुम भी तो थी साथ में, जहां पर ये हादसा हुआ। हादसा हुआ या आपने हादसा करवाया? आप मुझे एक बात बताइए, दीदी के मरने के बाद उनके अकाउंट से 10 लाख रुपए आपने क्यों निकाले? सर मैं एक मिल मालिक हूँ, अपने मिल के वर्करों को सैलरी देनी थी मुझे, इसलिए मैंने वो पैसे विड्रॉ करे और उसकी एक एक रसीद है मेरे पास, तुम चाहो तो देख सकती हो। और संजू जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम भी तो थी वहां पर, तुमने अपनी आंखों से देखा कि मैंने माला को बचाने की कितनी कोशिश की थी। देखिए बिना किसी सबूत के अपने ही फैमिली मेंबर पे आरोप लगाना सही बात नहीं है। चलिए अगर आज मैं तुम्हें सही वक्त पर फोन ना करती ना तो हमारा सारा भांडा फूट जाता और वो आदमी मिल में रंगे हाथों पकड़ा जाता। इसीलिए तो हम तुम्हारे दिमाग के कायल हैं। लेकिन संजू भी चुप रहने वालों में से नहीं है। अगर उसने अपनी फैमिली और पुलिस को अपनी बातों का यकीन दिला दिया तो क्या होगा? बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं काम करता हूँ, संजू को कल ही उसके माँ बाप के यहाँ भिजवा देता हूँ, यही ठीक रहेगा। संजू का जिंदा रहना हमारे लिए रिस्की हो सकता है। मासी, मासी, मासी उठो, मासी जल्दी उठो, जल्दी आओ, मेरे साथ जल्दी, जल्दी आओ, जल्दी आओ। We'll be right back.
फौरन यहाँ पे आ जाएंगे। मेरे पास जीजा जी के खिलाफ इतने सारे सबूत हैं जो ये साबित कर सकते हैं कि उन्होंने हमारी दीदी का खून किया है। मैं आपका इंतजार करूंगी। किसका फोन था? बाई का फोन था, वो आज नहीं आएगी। वो अब कभी नहीं आएगी, मैंने उसे काम से निकाल दिया। न जाने वो क्या अपने मन से मनगढ़ंत बातें बताकर तुम्हारे दिमाग में मेरे खिलाफ वहम भर रही थी। देखो संजू, मुझे कल बहुत बुरा लगा जब तुमने मुझे सबके सामने माला का कातिल कहा। तुम छोटी हो इसलिए शायद ये गलती हो गई तुमसे। जीजा जी मुझे माफ कर दीजिए। देखो संजू, मैं जानता हूँ कि तुम अपनी दीदी से बहुत प्यार करती हो, लेकिन तुम्हारी दीदी मेरी पत्नी भी थी, और जितना तुम अपनी दीदी से प्यार करती थी उतना मैं भी करता था अपनी पत्नी से प्यार। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। मैं चाहता हूं कि तुम जब यहां से जाओ तो अच्छी यादें लेकर जाओ अपने जीजा जी। अच्छा एक काम करो, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हम लोग कुछ बाहर खाते पीते। ठीक है, मैं रोहन को तैयार करके आती हूँ। हेलो। हाँ, हम लोग आधा घंटे में यहाँ से निकले। काम पिछली बार की तरह ठीक से होना चाहिए। रोहन बेटा, आज आप क्या खाएंगे, आइसक्रीम या केक? आइसक्रीम। आइसक्रीम, वेरी गुड। तो फिर हम आज रोहन बेटा को शहर की सबसे बड़ी दुकान से आइसक्रीम खिलाएंगे, वो भी चॉकलेट वाली, तुम्हारी फेवरेट। ये तो वही रास्ता है जहाँ हमारे साथ वो हादसा हुआ था। रुक जाओ। क्या हुआ? वो रोहन को सुसु आया। अब कोई बात नहीं, अब रोहन बेटा जल्दी से सुसु करके आइए। चलो चलो चलो। इंस्पेक्टर साहब। अब क्या हुआ मैडम जी? इंस्पेक्टर साहब, आज मैं सारे सबूतों के साथ आई हूँ। मेरे जीजा जी ने ही मेरी दीदी को मरवाया है। अच्छा, एक काम करिए, आप अपने जीजा जी का नंबर दीजिए, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, जीजा जी आज मुझे वहीं ले जा रहे थे जहाँ पे उन्होंने मेरी दीदी को मरवाया था। वो मुझे भी मारना चाहते हैं, मैं सच कह रही हूँ। संजू, भैया, भैया, मुझे पता था आप जरूर आएंगे। आपको पता है जीजा जी आज तक हमें जो दिखाना चाह रहे थे ना, हम वही देख रहे थे, पर सच उससे कहीं बड़ा है। चलो। अरे प्रदीप, यहाँ से गाड़ी मैं चलाता हूँ। हाँ कोई दिक्कत नहीं, लाओ। हाँ, मैंने उन्हें कहा था कि मैं ड्राइव करता हूँ, लेकिन वो नहीं माने। वैसे उन्हें ड्राइव करने का शौक नहीं है, और उस दिन वो खुद ड्राइव करना चाहते थे। नहीं, अच्छे से उन्होंने सब कुछ प्लान किया, हम तो समझ ही नहीं पाए। क्या जीजा जी ने उन आदमियों को पैसे दिए दीदी को मारने के लिए? हाँ, और दीदी को मरवाने के बाद तुरंत ही उन्होंने दीदी के अकाउंट से 10 लाख रुपए निकाले। ये देखो, ये देखिए जीजा जी और आशा की फोटो। उन्होंने आशा से शादी करने के लिए दीदी को, ये देखिए। अब तो आपको विश्वास हो गया ना कि मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ इंस्पेक्टर साहब। आशा जी का नंबर है आपके पास? हाँ है ना। उसे कॉल करिए और कहिए कि शिवाजी चौक वाले हाईवे पे पुलिस को लेके आए जल्दी। अगर वो पुलिस को खबर नहीं करती है तो आप ये जान लो कि जो आप कह रही हो वो सच है।
हेलो आशा, मैं संजू बोल रही हूँ। तुम तुरंत शिवाजी चौक वाले हाईवे पर आ जाओ, पुलिस को लेकर जल्दी आओ। जीजा जी मुझे मरवाना चाहते हैं, जल्दी आ जाओ। हाँ औलाद, जेब निकालो। हाँ, मेरा आशा के साथ अफेयर है और मैं उससे शादी भी करना चाहता था। इसके लिए मैंने माला से बात भी की थी कि वो मुझे डाइवोर्स दे दे, पर वो थी कि सुनना ही नहीं चाह रही थी। माला ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा मेरे सामने इसके अलावा कि मैं उसे मार दूं, पर मैं उसे मारना नहीं चाहता था सर। मैंने उसे बहुत समझाया, समझा कर हार गया मैं। फिर एक दिन आशा ने मुझे बुलाया और कहा कि अगर मैं उससे शादी करना चाहता हूं तो माला को हमेशा हमेशा के लिए हमारे बीच से हटाना होगा। मेरा यकीन कीजिए सब, मैं माला को नहीं चाहता था, मैं माला को मारना नहीं चाहता। आखिरकार संजना की कोशिशों ने मनोज की असलियत पुलिस के सामने ला ही दी। अगर संजना की बहन माला ने पहले ही आशा और मनोज के नाजायज रिश्ते की बात अपने परिवार वालों को बता दी होती, शायद आज वो जिंदा होती। अगर मनोज अपनी पत्नी के प्रति वफादार रहा होता तो आज वो जेल में ना होता। मनोज की एक गलती ने उसकी पत्नी की जान ले ली और रोहन को अपने माँ और बाप दोनों से दूर कर दिया। इस केस में आशा भी उतनी कसूरवार है। उसने एक शादीशुदा इंसान से प्यार किया और एक जिंदगी को दांव पे लगा दिया। अब मुझे सुशांत सिंह को इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक और ऐसी सत्य घटना के साथ। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।